महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित 48 सांसदों को 24 जून 2024 को दिल्ली में होने वाले सत्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाकर इसकी सीमा 50% तक बढ़ानी चाहिए। इसी मांग को लेकर पत्र परिषद का आयोजन किया गया था। साथ ही मुंबई में आयोजित मानसून सत्र में सभी दलों के विधायकों को 50% की सीमा बढ़ानी चाहिए और सत्र में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजना चाहिए। नागपुर में अखिल भारतीय मराठा महासंघ 23 जून 2024 को नागपुर सुधार प्रन्यास सांस्कृतिक भवन में राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप दत्ता जगताप की अध्यक्षता में वार्षिक आम बैठक आयोजित की गई और इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव संभाजी दहातुंडे बोल रहे थे। इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य के साथ साथ देश भर से अखिल भारतीय मराठा महासंघ के अधिकारी प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस बैठक में मराठा आरक्षण को लेकर बेहद गंभीर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में दी गई है। राजीव दहातुंडे मराठा महासंघाचा राष्ट्रीय सचिव आहे। काल आमची अखिल भारतीय मराठा महासंघाची आमसभा पार पडली नागपूर येथे। राज्यभरातून 1000 प्रतिनिधी उपस्थित होते। तुम्हाला काल आम्हाला सभेला बोलवता आला नाही आमसभा असल्यामुळं, आणि म्हणून तुमच्याशी पत्रकार परिषद घेण्यासाठी आम्ही इथं आज आलेलो आहोत। अखिल भारतीय मराठा महासंघाची भूमिका अशी आहे की महाराष्ट्रामध्ये आता मराठा वर्षाचं ओबीसी असा वाद चालू आहे, तो वाद थांबला पाहिजे। घटनादुरुस्ती करून आरक्षण मिळालं पाहिजे। महाराष्ट्र विधानसभा विधान परिषद या दोन्ही सभागृहामध्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी आणि ओबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे, त्याच्यासाठी मर्यादा वाढवण्यासाठी आपण आज दोन्ही सभागृहामध्ये ठराव मांडून केंद्राला पाठवा अशी मागणी काल ठरावामध्ये झालेली आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।